फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंस करंट अफेयर 2017 दिसंबर सेकंड वीक इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे सेकंड वीक ऑफ दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल, ट्रेड एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, सभी कुछ इस वीडियो में करंट अफेयर हम आपसे डिस्कस करेंगे। और आपके आने वाले पेपर के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी कुछ इसमें से आपके लिए आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। साथ में फ्रेंड्स, चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हम आपको ऐसे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल सेक्शन, फिर देखेंगे नेशनल। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल का पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से वाला स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली मैंने आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था वॉसनार एग्रीमेंट का। ओके, जिन लोगों को कंप्लीट डिटेल चाहिए वॉसनार एग्रीमेंट की, कुछ दिन पहले ही, तीन चार दिन पहले ही मैंने इसका एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए बनाया है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पेपर में पूछ सकते हैं वो ये है कि देखिए, इसके पहले 41 मेंबर थे, इंडिया वॉसनार एग्रीमेंट का 42 मेंबर है, ठीक है। और इसका एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेट करना ट्रेड और यूज ऑफ ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी वो होती है जिसके अंदर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पस और सिविल पर्पस दोनों के काम में ले सकते हो। इंडिया जब तक इसका मेंबर नहीं था तो पिछले कई सालों से इंडिया को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज़ में। हालांकि इंडिया ने यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील भी करी थी, इवन दो इंडिया को ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम थी, तो अब इंडिया ने वॉसनार एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो इसके बाद इंडिया को प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का भी इंडिया मेंबर बन चुका है। और बड़ी बात यह है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि चाइना एनर्जी का मेंबर है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, जहां पे इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया ने बिन NPT साइन करे वॉसनार और MTCR दोनों की मेंबरशिप ले ली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ में आपके पेपर में क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा मेंबर है भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। साथ में इसका पुराना नाम क्या है, वो है वॉर्सो पैक्ट। और इसका तीसरा देखिए पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी सही है, ठीक है। इंडिया को क्या मिलेगी, हाई टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे इंडिया की डिमांड जो है इंडियन स्पेस में, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो डी यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन राइट्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स डे जो है ये है वो फ्रेंड्स 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपका जो आंसर है वो है 10 दिसंबर, ओके। और पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 10 दिसंबर 1948 को, क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन करी थी ह्यूमन राइट्स की। और इस साल की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, लेट्स स्टैंड अप फॉर द इक्वलिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये इस साल की थीम है और ये थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, साथ में थीम क्या है इस साल की। तो जैसे कि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, तो एंटी करप्शन डे ये 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ने इसको 2003 के अंदर अडॉप्ट किया था, और एक साथ में एक कैंपेन भी चला था जो कि पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, उसका नाम था योर नो काउंट्स। ये क्या था, एक करप्शन के अगेंस्ट एक कैंपेन था जो कि चलाया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा, ठीक है। और 9 दिसंबर को इसको क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है, देखिए 2017 की, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन फॉर डेवलपमेंट पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो ए इसका सही आंसर है। तो ये इस साल की थीम है जो कि आपको ध्यान रखनी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि सऊदी अरेबिया ने बैन हटा लिया है सिनेमास पे से, ओके, जहाँ पे, ठीक है, सिनेमा देखने पे काफ़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये एक सोशल रिफॉर्म है जो कि वहाँ के सऊदी के जो प्रिंस है, जो सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो ये एक सोशल रिफॉर्म है जो कि सिनेमास पे पहले बैन था, अब ये वहाँ पे नहीं है। साथ में सऊदी अरेबिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लैंड ऑफ टू होली मॉस्क्यू कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मक्का मदीना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो अल मस्जिद अल हरम और दूसरा का है अल मस्जिद अल नबावी, ये मक्का मदीना है जो कि होलीएस्ट प्लेस है इस्लाम के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। और चौथा वाला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो सऊदी की करेंसी है वो तो है रियाल, और सऊदी की जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया की वो है रियाद। तो रियाल और रियाद, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा बी 1, 2 एंड 3, ये आपका सही आंसर है।
तो 35 साल से यहाँ पे जो बैन लगा हुआ था थिएटर के ऊपर, अब वो वहाँ पे हट गया। कमर्शियल मूवी सऊदी अरेबिया में रिलीज हो सकती है और लोग इस मूवी को देख सकते हैं। सो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज नेम्ड एज अ ब्रिटेन्स न्यू हाईएस्ट पीक। तो ब्रिटेन की जो नई हाईएस्ट पीक है वो क्या है ये आपको बताना है। पहले फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले कुछ दूसरी पीक थी और अभी एक न्यू हाईएस्ट पीक वहाँ पे रिकॉग्नाइज करी गई है जिसका नाम क्या है, माउंट होप। माउंट होप अब यूके की सबसे हाईएस्ट पीक बन गई है। इससे पहले जैक्सन थी और देख सकते हैं आप 200 फीट का अंतर है नियर बाय जैक्सन और होप के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ई इसका सही आंसर है। साथ में आपको यूरोप का भी ध्यान रखना जरूरी है, माउंट अल्ब्रेज। माउंट अल्ब्रेज क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की और ये कितनी हाइट है इसकी, नियर बाय 18,510 फीट इसकी हाइट है, नियर बाय 5,500 मीटर अबाउ द सी लेवल। और ये माउंट एल्ब्रेस कहाँ पे लोकेटेड है, ये रशिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो यूरोप की और यूके की दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लिगेटिव प्रोस्पैरिटी इंडेक्स 2017 व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया। तो भारत की रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू द लिगेटिव प्रोस्पैरिटी इंडेक्स 2017। तो देखिए पिछले कुछ टाइम में आपको पता ही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है और अब भारत की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल प्रोस्पैरिटी इंडेक्स के अंदर भी इंप्रूव हुई है। अब इंडिया किस पे पहुंच गया है, 100 प्लेस के ऊपर पहुंच गया है। टॉप पे कौन सा है, नॉर्वे है, उसके बाद में न्यूजीलैंड फिनलैंड है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको भारत की रैंकिंग ध्यान रखना और साथ में फर्स्ट नंबर पे कौन है वो ध्यान रखना। और प्रोस्पेरिटी इंडेक्स की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये इंडेक्स जो है ना ये एक लिगेटिव इंस्टीट्यूट है, वो डेवलप करता है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स देख के जैसे कि ये वेल्थ हुआ, उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सभी को मद्देनजर रखते हुए ये अपनी रैंकिंग को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री सेकेंड UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म एंड कल्चर ऑर्गेनाइज। तो कौन से देश के अंदर सेकेंड UN, WTO और यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टूरिज्म एंड कल्चर को ऑर्गेनाइज कराया गया। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे कराया गया है तो ये कैपिटल सिटी है ओमान की, क्या नाम है उसका, मस्कट, वहाँ पे इसको इवेंट को करवाया गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ओमान। ठीक है, और साथ में आपको UN, WTO और यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। UN, WTO की बात करें तो ये जो एजेंसी है रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ को लेकर, सस्टेनेबल यूनिवर्सल एसेसेबल टूरिज्म को लेकर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्पेन के अंदर है। जो भी घूमने फिरने वाले जो आपके एजेंसी के बारे में पूछा जाए तो वो स्पेन के अंदर ही है। ठीक है, मैड्रिड के अंदर है और इसको 1975 के अंदर फाउंड किया गया था। और अगर यूनेस्को की बात की जाए तो आप सभी को पता ही है यूनेस्को तो हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। और इसको 16 नवंबर 1945 में इसको लंदन के अंदर फाउंड किया गया था। एरिना बोकोवा, एंड्रू अजालेव और मैस्तुसुरा ये सब इसके हेड है अभी राइट नाउ यूनेस्को के। अब देखते हैं नेशनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, इन विच सिटी PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। तो रिसेंटली अपने देश के जो PM है उन्होंने इनॉग्रेट किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इसको जनपथ पे न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। और 2015 के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और इस ओकेजन के ऊपर पीएम मोदी ने एक्सप्रेस किया काफ़ी जो चीज़ें था, की रोल था अंबेडकर जी का टीचिंग को लेकर देश के अंदर, जो उन्होंने एक पूरा का पूरा लेगेसी क्रिएट करी है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उन सभी के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने तीन ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा सही है। आपको पता ही है कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स साइंस जिसका नाम है साइकॉन 2017, ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, न्यू दिल्ली में ही हुई है। दूसरा है इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अपने देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है कौन है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। ये शूटर थे और इन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल भी जीता है और पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि कोई स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना है और ये कौन है भी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है टू एम्पावरिंग यूथ खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज बीन चॉक्ड आउट टू ट्रैप टैलेंट एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल। और तीसरा है कि यहाँ पे एम्पावरिंग करने के लिए यूथ को खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताया गया जो किट स्कूल और कॉलेज लेवल पे चलाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपने आप में। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए जो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है ना, ये NDA गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है और इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स थे जैसे कि राजीव गांधी खेल अभियान, ठीक है, तो इनको मर्ज कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल अभियान, ठीक है, इसको भी खेलो इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। उसके अलावा और भी कई सारे हैं जैसे कि NSTSS नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, ये भी खेलो इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, वो भी मर्ज कर दी गई है। तो ये कई सारी स्पोर्ट्स की जो स्कीम थी, इन सभी को मर्ज करके एक बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। और ये खेलो इंडिया प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स, ये गुजरात का जो गवर्नमेंट का जो मॉडल है ना, खेल महाकुंभ, उसके अकॉर्डिंगली बनाया गया है, जहाँ पे स्कूल में कॉलेज लेवल में डिफरेंट जो स्टेट है वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया जाता है स्कूल के बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का, और 27 डिसिप्लिन के अंदर उनको स्पोर्ट्स में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और वहाँ पे हर समर के अंदर समर कैंप्स भी लगाए जाते हैं। तो उसी की तर्ज पे इस खेलो इंडिया प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, जिसको देख रहे हैं अभी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन से कंट्री के अंदर सेटअप किया गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फ्लोरिकल्चर एट थैली इन कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए आपको बताना है कि फ्लोरिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे डेवलप किया गया है, तमिलनाडु में कौन से देश की मदद के साथ किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो इसराइल है, क्योंकि भारत और इसराइल ने दोनों ने मिलकर ओपन किया है फ्लोरिकल्चर का सेंटर, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर इसको सेटअप किया गया है। अब सबसे पहले आपके लिए सवाल ये है कि फ्लोरिकल्चर होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए फ्लोरिकल्चर होता है फ्लावर का फार्मिंग, जो फ्लावर फार्मिंग होती है, फ्लावर को कल्टीवेशन करना, ठीक है, गार्डन के लिए, फ्लोरल इंडस्ट्री के लिए, प्लांट की ब्रीडिंग करवाना, ठीक है, और हाउस प्लांट्स बनाना, फ्लावरिंग गार्डन बनाना, इन सभी के लिए जो स्टडी होती है जिसको उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये इसराइल की मदद से यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तीन ऑप्शंस, जैसे कि पहला है ग्लोबल पार्टनरशिप समिट 2017 कहाँ पे, दिल्ली में कराया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया सेंटर फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज कराया और पहली बार ये ऑर्गेनाइज कराया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा है कि ग्लोबल पार्टनरशिप समिट फोकस कर रहा है किसके ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, एनर्जी, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यहाँ पे जो आपका आंसर है यहाँ पे डी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसको न्यू दिल्ली में 11 से 14 दिसंबर के बीच में करवाया गया है। और ICF क्या है, एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है पिछले 2 डेकेड से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर कई सारी चीज़ों को बढ़ावा देने की बात करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कौन से सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा, चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देश का पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल चंडीगढ़ के अंदर करवाया गया है। ओके, और वहाँ के जो पंजाब के गवर्नर कौन है अभी राइट नाउ, VP बडनौर, उन्होंने इसका ओपन किया, डिक्लेरेशन किया। कई सारे मिलिट्री लीडर्स, वेटरन लीडर्स, थिंकर्स, स्कॉलर्स, राइटर, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियंस यहाँ पे अवेलेबल हुए और उन्होंने सभी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई इसके ऊपर, ग्राउंड वाटर इशू के ऊपर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर विजन 2030, वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के द्वारा, रुड़की एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि श्री उमा भारती मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, गंगा रेजुवेनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट नहीं है अभी राइट नाउ, कौन है, नितिन गडकरी जी बने हैं अभी राइट नाउ कौन, वाटर मिनिस्टर, जिनके अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द ए पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल MSME संवाद। तो देखिए ये जो MSME संवाद है ना, तो ये कौन, किसने लॉन्च किया है, तो सिंपल सी बात है, MSME कौन लॉन्च करेगा, जो कि MSME के मिनिस्टर होंगे, और ये कौन है भी नहीं राइट नाउ, गिरिराज सिंह है, ठीक है। तो गिरिराज सिंह कौन है भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो गिरिराज सिंह, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज अर्न द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट एनर्जी एफिशियंट A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन ऑन इंडियन रेलवेज। तो कौन सा पहला रेलवे स्टेशन है जिसको यूनिक डिस्टिंक्शन मिला है, सबसे पहला देश का एनर्जी एफिशियंट रेलवे स्टेशन को लेकर।
अब देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन आपके लिए, वो है कैचीगुड़ा। ठीक है, तो कैचीगुड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो देश का पहला एनर्जी इफिशियंट रेलवे स्टेशन बना है। 100% एनर्जी इफिशियंसी इन्होंने अचीव करी है बाय रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल लाइट्स, ओके, LED के साथ में जो सीलिंग फैंस है वो भी, और साथ में जो BLDC वहाँ पे अप्लाई करे गए हैं, मोटर फैंस लगाए गए हैं, एयर कंडीशन लगाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इम्प्लीमेंटेशन करी गई है। और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केचीगुड़ा रेलवे स्टेशन 3 सेंट्रल स्टेशन जो कि हैदराबाद सिटी में है उनमें से एक है। तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, तो ये हैदराबाद के अंदर है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो इसको क्या करती है, मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर फ्री फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिसेंटली, तो भारत कौन से डिजीज से रिसेंटली फ्री डिक्लेयर हुआ है। अब देखिए भारत वैसे तो कई सारे डिजीज से रिसेंटली क्या हुआ है, फ्री हुआ है, डिक्लेयर किया गया है फ्री। जैसे कि कुछ एक डिजीज जो कि एलिमिनेटेड हो गए हैं भारत से, वो कौन से हैं, यॉन्स, लेप्रसी, गीनिया, ओके, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स तो पूरा इरेडिकेट ही हो गया है। देखिए एलिमिनेट होने में और इरेडिकेट होने में थोड़ा फर्क होता है। एलिमिनेट हुआ है वो भारत से, इरेडिकेट हुआ है पूरी दुनिया से। तो स्मॉल पॉक्स तो पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, ओके, और यहाँ पे पोलियो को भी भारत को डिक्लेयर फ्री कर दिया गया है। आपको पता होगा 2014 तक भारत के अंदर कोई भी 5 साल के अंदर कोई केस नहीं था, इसलिए भारत को यॉन्स, मटन एंड टिटनेस से भी फ्री कर दिया गया है WHO के द्वारा। और यहाँ पे जो अभी रिसेंटली किया गया है वो ट्रैंकोमा किया गया है, सी यहाँ पे आपका सही आंसर, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसका, आई का। ठीक है, तो आई का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, स्कारिंग फेज हो जाता है उसका। ठीक है, तो उससे क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर फ्री कर दिया गया है भारत को। सो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर महेश शर्मा इनॉग्रेटेड द 3-day बोधी पर्व बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो फ्रेंड्स कौन सी सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया 3 दिन का बोधी पर्व बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया है बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। आपको पता ही है जो बिम्स्टेक नेशंस है, ओके, यहाँ पे काफ़ी बुद्धिज्म का प्रमोशन होता है, बुद्धिस्ट काफ़ी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इसीलिए बोधि पर्व बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज इसका नाम रखा गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ना वो बिम्स्टेक के बारे में जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, तो बिम्स्टेक का पूरा नाम आपको पता होगा। ये देखिए बिम्स्टेक जो है ना ये बे ऑफ बंगाल वाले कंट्रीज है, सबसे पहली बात तो जो बे ऑफ बंगाल से अटैच है। बिम्स्टेक का पूरा नाम ही क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ग्रुप ऑफ कंट्रीज कौन से, साउथ एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ओके, ये सभी देश हैं, यानी कि नियर बाय 7 देश इसके मेंबर हैं, ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए बांग्लादेश हुआ, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ओके, तो ये 7 देश इसके मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ढाका कहाँ, बांग्लादेश के अंदर, ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला है कि न्यू दिल्ली ने होस्ट कराया है एशियन इंडिया कनेक्टिविटी समिट, ओके, 11-12 दिसंबर को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है थीम थी पावरिंग डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेज फॉर एशिया इन द 21st सेंचुरी, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और तीसरा क्या है, जो 10 एशियन लीडर हैं, ओके, ये नेक्स्ट ईयर जो रिपब्लिक डे है वहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे, ये भी बिल्कुल सही है, ओके, तो न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है फ्रेंड्स रिसेंटली एशिया इंडिया कनेक्टिविटी समिट, और थीम रखी गई यहाँ पे पावरिंग डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेजेस फॉर एशिया इन द 21st सेंचुरी। और ये सभी देशों के जो लीडर्स हैं वो अपने रिपब्लिक डे में क्या है, अभी चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डी यहाँ पे सही आंसर है। साथ में आपको पता होगा कि एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कितने हैं इसके, 10 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर कौन सा है, तिमूर एक तो, और एक पेपियन गिनिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एशियन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनवील्स कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब। तो देश के अंदर पहली बार कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब, यानी कि किसी भी फूड को आप क्या कर सकते हो, हाथों हाथ टेस्ट कर सकते हो उसकी क्वालिटी को। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, गोवा आपका सही आंसर है। कैपिटल क्या है, पानाजी, और सबसे बड़ी सिटी कौन सी, वास्को डी गामा यहाँ की। ठीक है, मारगोवा के बारे में भी पता होगा, मारगोवा भी एक सिटी का नाम है जो कि पोर्चुगीज का सेंटर हुआ करती थी। पोर्चुगीज ने देखिए गोवा में 450 साल तक राज किया है।
तो 1498 के समवेयर ये लोग आए थे और 1961 के टाइम पे ये गए हैं। और गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर पर्रिकर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए अवेलेबल है। और साथ में वाटर की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, हाथों 15 मिनट के अंदर बता देगा कि पानी का लेवल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी सिटी के अंदर यूएन वुमेन ने कोलैबोरेशन किया है फेसबुक के साथ में इनॉग्रेट करने को लेकर, क्या वी द वुमेन इवेंट? तो ये जो इवेंट है ना, ये यूएन वुमेन आपके बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस की एक वर्किंग आर्म है जो वुमेन के लिए काम करती है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसको हम यूएन वुमेन कहते हैं। 2011 में इसको स्टार्ट की गई थी, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है ना चिली की, मिशेल, वो यहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यहाँ की इनॉग्रल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी वो। और अभी कौन है? अभी यहाँ पे मालम्बो करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी सिटी के अंदर इसको करवाने की बात करी गई है? ये मुंबई के अंदर है। तो बी यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द NICCERT एज सेटअप ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर? तो देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो श्री रविशंकर प्रसाद है, जो कि हमारे लॉ एंड जस्टिस इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, लॉ एंड जस्टिस के भी हैं और IT के भी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या NICCERT। ओके, ये मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सेटअप किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना, वो क्या होगा? श्री रविशंकर प्रसाद होगा, जो कि हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। तो उन्होंने ये NICCERT अवेलेबल कराया ताकि सभी देशों के सिटीजन को जो थ्रेट है, वल्नरेबिलिटीज़ है साइबर स्पेस के अंदर, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख सकें और इसको एम्पावर कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भारत ने प्रपोज किया है $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रमोट करने को लेकर, क्या सी एयर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स? तो भारत चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके साथ में, हम सी एयर और रोड कनेक्टिविटी को प्रमोट करें। उसके लिए $1 बिलियन प्रपोज किया गया है। तो देखिए भारत को, आपको पता ही है, भारत अभी लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम ईस्ट के जो देश है ना, कौन देश है? एशियान देश है, उनके साथ में कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। जैसे कि जो चाइना है वो वेस्ट में बढ़ा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? ईस्ट में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। रोड बनाने की बात कर रहे हैं इंडिया से म्यांमार, थाईलैंड, ओके, यहाँ पर पूरा ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लैंड के थ्रू, एयर के थ्रू, रोड के थ्रू, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको प्रोजेक्ट को सामने रखा है, जिससे क्या होगा, प्रमोट होगा सी एयर और रोड कनेक्टिविटी एशियान के साथ में। एशियान के बारे में अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर ही चुका हूँ, 10 मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, जकार्ता में इनका हेडक्वार्टर है, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट पिलग्रिम कमिंग टू गंगा सागर नेक्स्ट ईयर विल बी कवर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹5 लाख ईच? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि जो पिलग्रिम, जो एक होली प्लेस है, ओके, गंगा सागर, वहाँ पर जितने भी जो श्रद्धालु लोग आएंगे उन सभी को ₹5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा? तो ऐसा करने वाला, देखिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि गंगा सागर है कहाँ पे। देखिए गंगा सागर या फिर सागर आइलैंड भी इसे कहते हैं, इसका जो एक्चुअल नाम है वो सागर आइलैंड है। ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। गंगा का जो डेल्टा है ना, उसके अंदर ये सागर आइलैंड है। कॉन्टिनेंटल शार्फ एक बे ऑफ बंगाल की नियर बाय 100 किलोमीटर है कोलकाता से, जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंडर के अंदर ये आता है। और वहाँ पे कपिल मुनि टेम्पल है, वहाँ पे हर साल कई सारे श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। और आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल वो सरकार है जिसने ₹5 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है इन सभी पिलग्रिम्स को। और ये मकर संक्रांति के ऊपर फेयर होता है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं गंगा सागर फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वापस से, 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला वाला है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा जी, उन्होंने लॉन्च किया है, ओके, एल्क्योसा, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। और इसके साथ में एक ये सेफ ड्राइविंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि हेल्थ वर्कर के लिए है, जो कि नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के अंदर काम करते हैं पेरिफेरल एरिया में। और इससे क्या होगा, गोल क्या है इसका, कि हम प्रिवेंट करें मटर्नल और न्यू बॉर्न मोर्टैलिटी, यानी जो न्यू बॉर्न मोर्टैलिटी रेट है और जो मटर्नल रेट है उसको क्या करें, रिड्यूस करें हम। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो यहाँ पे आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सी सिटी ने लॉन्च किया है ड्राइव बैगर फ्री सिटी बनाने को लेकर?
तो बैगर फ्री यानी कि पूरे शहर में आपको एक भी बैगिंग करता हुआ या फिर कोई भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसा एक ड्राइव लॉन्च किया है कौन से सिटी ने? तो ऐसा कौन से सिटी ने किया है फ्रेंड्स? हैदराबाद ने किया है। हैदराबाद कैपिटल किसकी है? तेलंगाना की कैपिटल है। और कुछ टाइम पहले वहाँ पे इवंका ट्रंप आई थी, तो उनके पहले ही ये ड्राइव स्टार्ट होने वाला था, लेकिन फिर काफ़ी रूमर्स फैल गए कि सिर्फ और सिर्फ इवंका ट्रंप के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो उसको वहीं पे रोका गया और अब इसको ड्राइव को लॉन्च किया जा रहा है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बैगिंग है ना, ये क्रिमिनलाइज्ड है। ओके, ये क्रिमिनल एक्ट है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर। मुंबई दिल्ली में अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो एक क्राइम के तौर पर इसको देखा जाता है, अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट, जो कि 1959 के अंदर लाया गया था। इसके अंदर कई सारे सोशल डिपार्टमेंट्स हैं और कई सारे ऐसे बैगर होम्स बनाए गए हैं, ओके, जो कि जेल भी उन्हें कह सकते हैं। तो जो कोई बैगिंग करता हुआ है वो वहाँ पे उनको रख देते हैं, उनको वहाँ पे प्लेस दे देते हैं, ठीक है। और बात करें बैगिंग की, तो दुनिया में भारत सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बैगर्स हैं। 400,000 बैगर्स भारत के अंदर बोलते हैं कि ऐसा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही 90,000 तो बैगर्स हैं। ओके, उसके अलावा लक्षद्वीप में सबसे कम है, नियर बाय 2 के आसपास, और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में नियर बाय 80,000, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन से सिटी के अंदर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेशन किया गया 14 दिसंबर को? तो देखिए, ये कहाँ पे किया गया है? ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। तो ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने क्या किया है, चीफ गेस्ट थे वो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के ऊपर, कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, और यहाँ पे हमारे जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है राजकुमार सिंह, वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके सामने वापस से 3 ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको बताना है कौन सा सही है। इंडिया होस्ट कर रहा है 3rd एनुअल मीटिंग किसके? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, AIIB की। कहाँ पे? मुंबई में। ओके, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। AIIB क्या है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 56 मेंबर्स हैं। ओके, किसका इनिशिएटिव है ये? इनिशिएटिव किसका लॉन्च किया गया है? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और एशिया और ओशियाना का जो रीजन है उसको ये सर्व करता है। जिन लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट है राइट नाउ AIIB के, तो उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनकी मीटिंग करी है मुंबई में। थीम क्या है यहाँ पे? मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। ये भी बिल्कुल सही है। ओके, और AIIB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर मनीला में है। ये सब इन्फॉर्मेशन गलत है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने अभी आपको बताया, हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग के अंदर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ए। ओके, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ बुक टॉकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द लिबरेटेड इंडिया कन्वर्सेशन विद द गवर्नर्स ऑफ द RBI वॉज रिलीज ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 14th इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया समिट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? तो एक किताब लिखी गई है रिसेंटली, इसको रिलीज करी गई है, टॉकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द लिबरेटेड इंडिया। अब ये किताब किन्होंने लिखी है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो किताब का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है और ये जो किताब लिखी है वो श्री राम जी ने लिखी है, प्रोफेसर MS श्रीराम। तो आपका यहाँ पे डी सही आंसर है। तो उन्होंने इस किताब को लिखा है और इसको रिलीज करी गई रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी देश में पहला स्टेट है जो कि फ्री ईमेल एड्रेस इन हिंदी ऑफर कर रहा है, यानी कि जो आप ईमेल एड्रेस है ना वो आप हिंदी के अंदर भी अपना बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप इंग्लिश में बनाएं। तो ऐसा करने वाला कौन है? राजस्थान स्टेट है जिसने पहली बार ऐसा ऑफर किया है कि आप फ्री ईमेल एड्रेस बना सकते हैं हिंदी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान के CM कौन है? वसुंधरा राजे। और वहाँ के गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ द राजस्थान। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विल बी कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन मुंबई। तो कौन सी पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि कमीशन करी गई इंडियन नेवी के द्वारा मुंबई के अंदर? अब देखिए फ्रेंड, जब भी हम सबमरीन के बारे में पढ़ते हैं तो दो तरीके के सबमरीन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबमरीन्स की हम जब बात करेंगे तो दो पार्ट्स के अंदर हम करते हैं, एक तो होती है अटैक सबमरीन और एक होती है बैलिस्टिक सबमरीन, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अब ये दोनों है ना, या तो डीजल पावर्ड हो सकती है या फिर न्यूक्लियर पावर्ड हो सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड की बात करें तो हमारे पास दो है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, एक तो INS चक्रा है और एक अरिहंत है, ठीक है। चक्रा जो है वो तो हमने रशिया से लीज पे ले रखी है, 10 साल के लिए हमने लीज पे ली है, ओके। और अरिहंत जो है वो हमने इंडिजीनियसली डेवलप करी है। तो ये तो दो कौन सी? न्यूक्लियर पावर्ड है। और डीजल की बात करें तो हमारे पास नियर बाय 15-16 तो आसपास डीजल पावर्ड भी है, डीजल पावर्ड सबमरीन्स भी है, ओके। कलवारी की बात करें
ठीक है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई गई है, और आप यहाँ का यहाँ पे जो आंसर है वो भी ई है। जो कलवारी है ये भी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी ने डेवलप करी है। किसके साथ में डिजाइन करके? फ्रेंच का जो नेवल बेस है, एनर्जी कंपनी है DCNS, उनके साथ में उन्होंने इसको डिजाइन किया है। और मैन्युफैक्चर कहाँ करी गई है? मुंबई में करी गई है, ओके, माजागांव डॉक लिमिटेड के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सबमरीन से रिलेटेड। अब देखते हैं बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। विच हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द हेड ऑफ ए हाई लेवल कमिटी विच हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट इन इंडिया पावर सेक्टर। तो रिसेंटली एक हेड ऑफ हाई लेवल कमिटी बनाए गए हैं जो कि स्ट्रेस एसेट्स हैं, यानी कि जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो बैंकों का पैसा डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए कमेटी बनाई गई है। उसके हेड भी बनाए गए हैं अमिताभ कांत, ओके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो अमिताभ कांत है, जो कि कौन है? नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको बनाया गया है हेड। और जो तो अभी जो रिसेंटली जो पावर सेक्टर के अंदर जो पैसा डूबा हुआ है, जो कि 5.9% है बैंकिंग का, उसको निकालने के लिए कर इसको बात करी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रिडिक्ट करी है भारत की ग्रोथ रेट 2018 के अंदर 7.5%? 19 की बात करें तो क्या है? 7.7 है। 6.7 तो है 17 में, और 7.5 है 18 में, और 7.7 है 19 में। तो इस तरीके से मॉर्गन स्टेनले ने प्रिडिक्ट करी है। मॉर्गन स्टेनले क्या है? एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, ओके, जो कि प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। ऑफिसेज 42 कंट्रीज में है, ओके, और काफ़ी बड़ा इनका क्लाइंट बेस है। मॉर्गन स्टेनली को बनाया गया था JP Morgan के द्वारा, और उनके को पार्टनर्स थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था, ओके। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, और आपके लिए काफ़ी पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कि मॉर्गन स्टेनले हुआ, फिंच हुआ, RBI हुआ, इनके द्वारा कितनी फोरकास्टिंग करी गई है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि रिसेंटली एक SMS कैंपेन चलाया गया है, मिस कॉल कैंपेन चलाया गया है, ताकि जो फ्रॉड हो रहा है फ़ोन के ऊपर, उसको क्या कर सके हम, उसको बंद कर सके। तो ये RBI ने लॉन्च किया है, ठीक है, RBI ने लॉन्च किया है। और RBI के बारे में आपको बताइए, 1935 के अंदर इसको ब्रिटिश रूल में स्टार्ट किया गया था, और 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको हम कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 21 होते हैं, ठीक है, जिसमें से गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 10 गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर से, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली से। तो इस तरीके से 21 मेंबर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे RBI ने ही इस कैंपेन को लॉन्च किया है ताकि क्या हो सके, फ्रॉड को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCR दिल्ली की रैंकिंग क्या है मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस लोकेशन के तौर पर दुनिया में? तो पूरी दुनिया में अगर सबसे महंगा ऑफिस की बात की जाए तो दिल्ली NCR की जो रैंकिंग है ना फ्रेंड्स, वो 84 नंबर पे है, ओके, 84 नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो हांगकांग है, हांगकांग इमर्ज हुआ है सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन के तौर पे, ओके, उसके बाद में लंदन, टोक्यो, ये सब सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर? तो 2018 की इन्होंने कितनी बताई है? 7.2% बताई है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मॉर्गन स्टेनले के बारे में, मॉर्गन स्टेनले ने 18 की 7.5 बताई है, और इन्होंने 7.2 बताई है यूनाइटेड नेशंस ने। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो ए इसका सही आंसर है, ठीक है। और साथ में देखिए, आपके लिए 7.2 तो 2018 की है, और 7.4 किसकी? 2019 की है, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जो है नोमुरा, उसके अकॉर्डिंगली भारत की ग्रोथ कितनी होगी 2018 में? तो इनके अकॉर्डिंगली भी 7.5% ही होगी 2018 में। नोमुरा के द्वारा भी जो इन्होंने बताई गई है वो भी 7.5 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 ऑप्शंस हैं, ओके, तो पहला बिल्कुल सही है, RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कॉरपोरेशन बैंक के ऊपर। दूसरा है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक ने कहा है कि RBI ने ट्रिगर करे हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ओके, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की वजह से। और इस वजह से क्या है, जो कॉरपोरेशन बैंक है वो 8th बैंक है जो कि रिस्ट्रिक्शन झेल रहा है पिछले 10 महीने के अंदर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, और तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ना वो डी यहाँ पे आपका सही आंसर है। कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? मैंगलोर के अंदर है, ठीक है। CEO कौन है अभी यहाँ पे? जय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से बैंक के साथ में भारत ने साइन किया है एग्रीमेंट स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट, यानी कि जो संकल्प प्रोजेक्ट है इसके लेकर भारत ने कौन से बैंक के साथ में लोन एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखिए, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जो IBRD यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ में भारत ने संकल्प प्रोजेक्ट को लेकर बात करी है। संकल्प प्रोजेक्ट क्या है कि लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। तो और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको सब कुछ पता ही है, कई बार हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, ठीक है, जिम योंग किम इसके प्रेसिडेंट है। IBRD और IDA से मिलके बना है, ठीक है। IDA लो इनकम कंट्रीज को लोन देता है और IBRD मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है, और भारत ने लोन लिया है इनसे संकल्प प्रोजेक्ट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने इम्पोज करें 3 करोड़ की पेनल्टी एक बैंक के ऊपर बिकॉज ऑफ इनकम, ओके, जो ब्रीच कर रहे हैं उन्होंने रूल्स किस चीज़ को, इनकम क्लैरिफिकेशन नॉर्म्स को। तो RBI ने किसके ऊपर इम्पोज किया है, ये इंडसइंड बैंक के ऊपर किया है। तो आपका आंसर क्या है, इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पता ही आपको मुंबई के अंदर है, और हिंदुजा ग्रुप का ही ये बैंक है। श्रीचंद पी हिंदुजा थे जो इसके फाउंडर थे। 1994 में इस बैंक को स्टार्ट किया गया था एज ए न्यू जनरेशन बैंक। ओके, इसके ऊपर इम्पोज लगाया गया है पेनल्टी 3 करोड़ की। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की GDP फोरकास्ट बतानी है आपको 2018 से 6.7 कौन सी बैंक ने कर दी है। तो ये ADB ने करी है फ्रेंड्स, ADB ने लोअर करी है भारत की GDP फोरकास्ट 2018 के लिए 6.7% पे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा, ADB होगा। अब ADB के बारे में आपको पता ही है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 1966 में इसको स्टार्ट किया गया था, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, 67 मेंबर्स हैं इसके, और तकाइको नकाइयो इसके प्रेसिडेंट है। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। नए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान कौन अपॉइंट करे गए हैं, तो ये करे गए अजहर AH खान, ठीक है। तो सी यहाँ पे आपका सही आंसर है, जिनको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, अशगाबाद। ओके, यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है और जो कैपिटल है वो क्या है, अशगाबाद। अशगाबाद यहाँ की कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की, और यहाँ पे प्रेसिडेंट को है अभी गुरबंगली, गुरबंगली यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फेस बनाए गए हैं वाटर कंजर्वेशन कैंपेन के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि खुद एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का फेस बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट करे गए हैं, ये उमा शंकर अपॉइंट करे गए हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और ई इसका आपका आंसर है। ओके, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करे गए हैं RBI के। नेक्स्ट, एम्बेसडर इंडिया के कुवैत के कौन बनाए गए हैं, तो ये है के जीवा सागर। तो बी आपका सही आंसर है, ये एम्बेसडर बनाए गए हैं इंडिया के, किसके, कुवैत के। ओके, साथ में आप देखते हैं अवार्ड्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड किसको दिया गया है, कौन सी बेस्ट एशियन मूवी है जिसको यह अवार्ड दिया गया है। तो ये देखिए, आमिर खान की जो दंगल मूवी थी जो कि भारत की सबसे ज्यादा ग्रॉस अर्निंग मूवी है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। दंगल के लिए एस्टिमेटेड है कि दंगल ने 2,000 करोड़ का बिजनेस किया है, और ये देश की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मूवी है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, नितेश तिवारी के द्वारा डायरेक्ट करी गई। फोगाट फैमिली मेम्बर्स के ऊपर थी है, जिसका मैं महावीर सिंह फोगाट का रोल आमिर खान जी ने निभाया, जो कि एक रेसलर थे, और उनकी बेटियों को उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ाया, वर्ल्ड क्लास रेसलर बनाया, उसको लेकर ये स्टोरी है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर कौन सा मेले को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको पता ही है, यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंडिया का कल्चर हेरिटेज के तौर पर रिकग्नाइज किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, कुंभ मेला है यहाँ पर आपका आंसर। कुंभ मेला आपको पता ही है, ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा गैदरिंग जो होती है ना फ्रेंड्स, वो इसी जगह पे होती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा गैदरिंग इसी जगह पे होती है, और 12 साल के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक सिटी में 12 साल बाद उसका नंबर आता है, जैसे कि 4 लोकेशन से जहाँ पे करवाया जाता है, जैसे कि हरिद्वार, उसके अलावा इलाहाबाद है, फिर नासिक और उज्जैन। इन 4 लोकेशन के ऊपर, तो इन दोनों के अंदर तो 3-3 साल का गैप होता है कि ये 3-3 साल में नंबर आता है, और यहाँ पे 1 साल का गैप होता है, 1 साल का या फिर सेम ईयर का, ठीक है। तो इस तरीके से कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और कहते हैं कि वहाँ पे बात करने से जो जितने भी स्थिन होते हैं वो सारे धुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। और 2022 अभी जो पिछला हुआ था ना फ्रेंड्स, वो 2016 में हुआ था, अब 2022 में होगा कुंभ मेला, कहाँ पे होगा, हरिद्वार के अंदर होगा, फिर 2025 में होगा कहाँ पे, इलाहाबाद में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है,
और यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया गया है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2017 किनको दिया गया है? व्यास सम्मान क्या है? एक लिटरेचर अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन देता है, 3.5 लाख रुपये का मिलते हैं इसके अंदर नियर बाय, और सर्टिफिकेट मिलता है आपको। तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपने काम को 10 साल में पब्लिश किया है, उनको व्यास सम्मान मिलता है। और हिंदी राइटर जो ममता कालिया है उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर है, उनकी जो किताब थी सुकुम, दुकाई सुकुम, उनके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर प्लेयर कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने बैलन डी 5वीं बार मिला है? ठीक है, तो ये जो बैलन जो डी अवार्ड है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जिन्होंने मैसी को हरा के ये अवार्ड जीता है। ओके, रियल मैड्रिड से पोर्चुगल के जो सुपरस्टार है उन्होंने ये अवार्ड दिया गया है। साथ में नेमार, मैसी, ये भी टॉप 3 की लिस्ट के अंदर थे, और साथ में मैसी के साथ में और रोनाल्डो दोनों ये पर्सन 5 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी इंडियन सिटी है जिसको रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, वन ऑफ द 5 मॉडल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर फाइटिंग द पॉल्यूशन मिनन्स। तो UNEP के द्वारा कौन सी सिटी को चूज किया गया है एज ए एक तरीके का लोगों को अवेयर करने को लेकर, मॉडल बनाने को लेकर वर्ल्ड में फाइटिंग द पॉल्यूशन से जो फाइट कर रहे हैं? तो देखिए, केरला का एक जीरो वेस्ट अल्पुजा नाम की सिटी है, ठीक है, जो कि टॉप 5 सिटीज के अंदर आई है। तो अल्पुजा को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा एक जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना वो ई इसका आंसर होगा। अल्पुजा कहाँ पर है फ्रेंड्स? केरला के अंदर है। नेक्स्ट है, 14 दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर कौन से एक्टर का अवार्ड दिया गया है? ये इरफान खान को दिया गया है, जो इरफान खान का जो एक्टिंग का के अंदर जो उन्होंने अचीव किया है एक लेवल, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फाइनेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? ये मिला है मनीष सिसोदिया जी को, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे इंप्लीमेंटेशन किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड दिल्ली के अंदर, इसकी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड दिया गया, फाइनेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड। सो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अवार्डेड विद द येरी रैंगन अवार्ड रिसेंटली बाय द MK Naidu? MV Naidu। तो रिसेंटली जो MS स्वामीनाथन है उनको क्या दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है, येरा रिंगन अवार्ड वेंकैया नायडू के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वामीनाथन के बारे में सभी को पता ही है, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग है वैसे भारत में स्वामीनाथन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना वो MS स्वामीनाथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड कौन सी भारतीय फिल्म को मिला है वैंकूर गोल्डन पांडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो आपने द स्कूल बैग इस मूवी का अगर नाम सुना है तो इस मूवी ने जीता है वैंकूर के अंदर ये अवार्ड। इसको डायरेक्ट किया है धीरज जिंदल जी ने, जो कि पेशावर के हैं, और इनको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। कौन सी एक्ट्रेस को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है सोशल जस्टिस के लिए? तो देखिए, प्रियंका चोपड़ा को ये अवार्ड दिया गया है, ऑनर किया गया है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी को लेकर। भी रिसेंटली वो सीरिया भी जाके आई थी, जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन है उनसे भी मिली थी, और भी यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी है, और काफ़ी फिलेंथ्रॉफिक एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करती रहती है, और उनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ में कौन से ऐसे पर्सन है जिनको पावर ऑफ वन अवार्ड मिला है UN हेडक्वार्टर के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर, जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उस चीज़ को लेकर? ठीक है, तो देखिए, इंडियाज लक्ष्मीपुरी रिसीव्स पावर ऑफ वन अवार्ड एट UN। तो लक्ष्मीपुरी जी वो हैं जिनको उन्होंने कोई अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के न्यूयॉर्क के अंदर, बिकॉज इनका जो काम था परफेक्ट पीसफुल और सिक्योर वर्ल्ड को लेकर, तो उसके वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीनियर वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में और सीनियर मैन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में कौन सी कंट्री के अंदर होने वाली है? तो जैसे कि भारत ने एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया रिसेंटली गुवाहाटी के अंदर, आपको पता ही है, यूथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो उसी के बाद में इंडिया ने वहाँ पे मेडल भी बहुत अच्छे जीते, टॉप किया था 5 गोल्ड मेडल 2 ब्रॉन्ज के साथ में। और यहाँ पे 2018 के अंदर वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग और 21 के अंदर मैन वर्ल्ड बॉक्सिंग भारत ही ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो यहाँ पे आपका डी सही आंसर है, ये कहा है हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश को हरा के भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड हॉकी लीग के अंदर? तो आपको पता ही है, भारत ने जर्मनी को हराया 2-1 से और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा, अर्जेंटीना नंबर 2 पे रहा, तीसरे पे भारत रहा है। ओके,
साथ में आपको बताना है कि कौन से सिटी के अंदर भारत होस्ट करने वाला है ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट मैन और वुमेन कैटेगरी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में बॉक्सिंग को काफ़ी मैचेस हो रहे हैं, अभी जयपुर के अंदर 23 दिसंबर को विजेंद्र सिंह का भी मैच है जयपुर के अंदर, जो प्रोफेशनल बॉक्सर बन चुके हैं अमेचोर से। और ये जो ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग है ये तो कहाँ होने वाली है, न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है, ठीक है। साथ में जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, ऑस्ट्रेलिया ने मेंस का हॉकी वर्ल्ड लीग टाइटल जीत लिया है, किसको हरा के, अर्जेंटीना को हरा के 2-1 से। अब देखते हैं दैट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेथ हुई, कौन थे ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में सवाल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो हमारे देश के जो लालजी सिंह है जो कि डीएनए साइंटिस्ट है, फॉर्मर बीएचयू के वीसी रहे हैं, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही चीप बना दी थी, बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी बना दी थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी फिंगरप्रिंटिंग पता कर सकते हैं, जो कि क्रिमिनल को पकड़ने में बहुत काम आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से थे। उम्मीद है कि आपके काफ़ी हेल्प आएंगे। साथ में आप GK24 डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए, जहाँ पे आपके इसको PDF भी मिल सकती है, आपको मिलेगी PDF भी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।